बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम गेट जनरल एनालिसिस पार्ट 13 को डिस्कस करेंगे। परमानेंट टेम्प्रेरी, लेकिन ये आपस में एंटीनम्स है, ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इधर आपने ऑपोजिट वर्ड वाली रिलेशन ढूंढनी है। ऑर्डिनरी प्लान, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, तो ये गलत हो गया। इमेजिनरी फेक भी आपस में सिनोनिम्स हैं, गलत हो गया। एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग भी आपस में सिनोनिम्स हैं, तो ये गलत हो गया। स्केप्टिकल ट्रस्टिंग, आपके पास ऑपोजिट वर्ड से, तो ये ऑप्शन आपके पास। स्केप्टिकल कहते हैं शकी, शक करना, और ट्रस्टिंग कहते हैं एतबार करना, तो इसलिए ये आपस में ऑपोजिट है वर्ड्स हैं, तो डी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करप्ट मोरल्स, जो बंदा करप्ट होता है उसमें मोरल्स की कमी होती है। अ करप्ट गाय लैक मोरल्स। इसी तरह जो बंदा रूथलेस होता है, जालिम होता है, उसमें रहमदिली की कमी होती है, तो इसलिए आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। फॉर्चुनेट, खुशकिस्मत बंदे, क्या उसके पास मनी नहीं होता? देखिए, खुशकिस्मत है तो ज़ाहिर है वो हर लिहाज से खुशकिस्मत है, उसके पास पैसा भी ज़्यादा है, तो ये गलत है। रूड, क्या रूड बंदे के पास इंटेलिजेंस की कमी होती है? जी, रूड बनने के बाद बंदे के पास काइंडनेस की कमी होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इंटेलिजेंस की कमी हो, कुछ बंदे रूड होते हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं। टैलेंटेड स्किल, क्या टैलेंटेड बंदे के पास स्किल की कमी होती है? तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो आपके पास डी ऑप्शन ठीक है। जैसे करप्ट बंदे के पास मॉरल्स नहीं होते, रूथलेस जो बंदा होता है उसके पास रहम नहीं होता, उसके दिल में रहम नहीं होता। कवर्डली ब्रेव, ये आपस में एंटीनम्स है, ये आपस में ऑपोजिट वर्ड है। तो न्यूमरस मैनी आपस में सिनोनिम्स है, ये गलत है। ऑफॉल ड्रेडफुल भी आपस में सिनोनिम्स है, गलत है। एंशियस नर्वस भी आपस में सिनोनिम्स है, गलत है। फुलिश वाइज, बेवकूफ और होशियार, तो ये आपस में एंटीनम्स है, ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इसलिए ये ठीक है। कार्निवोर मीट, जे के कार्निवोर उन एनिमल्स को कहते हैं जो गोश्त खाते हैं, सही। तो इसी तरह अगर आप देख लें, हर्बीवोर उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। वेजिटेरियन वेजिटेबल्स खाता है, सिर्फ वीट नहीं खाता, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसी तरह वेगन पेस्ट्रीज नहीं खाता, वेगन भी वेजिटेरियन को ही कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इस तरह ओमनीवोर फूड का ऑप्शन भी इधर ज़्यादा सूटेबल नहीं है, ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन आपके पास बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्ट सिंसियर, देखिए जो बंदा ऑनेस्ट होता है वो सिंसियर भी होता है। इसी तरह मतलब आपसे कह सकते हैं कि आपस में सिनोनिम्स है। इसी तरह जो बंदा सोलिटेरी होता है वो एलोन होता है, ये भी आपस में सिनोनिम्स है, तो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन ठीक है। क्या पीसफुल नर्वस सिनोनिम है? नहीं जी। क्या वेंचफुल फॉर गिविंग सिनोनिम्स है? ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है। वेंचफुल कहते हैं वो बंदा जो बदला लेना चाहता हो, फॉर गिविंग कहते हैं माफ़ करने वाला, तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए। इस तरह रिलीजियस डाउटफुल का भी इधर रिलेशन नहीं बनता, तो आपके पास ए ऑप्शन ठीक है। सक्सेस फेलियर, ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स है, तो इधर आपने ऑपोजिट ढूंढने हैं। और अगर आप देखें तो सी आपके पास ऑपोजिट वर्ड है, वर्चू ईवल। ग्रीफ सैडनेस आपस में सिनोनिम्स है, ये गलत है। डेप्ट लॉस, इनका भी रिलेशन इधर नहीं बना, ये आपस में ऑपोजिट वर्ड्स नहीं है। डी भी आपस में ऑपोजिट नहीं है, याद रखे कि ये लाइफ डेथ या बर्थ डेथ नहीं है कि आपस में ऑपोजिट हो, ये लाइफ और बर्थ है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपके पास गलत है और सी ऑप्शन ठीक है। तो ये कुछ एनालॉजीज थी गेट जनरल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कीजिए।